ईमानदारी गरीबों के दिल में ही बसती है, ऐसी ही मिसाल पेश की है घर घर जाकर कार्य करने वाली एक गरीब महिला ने, जिसने रास्ते में नोटों से भरा एक पर्स देखकर उठाया और उसे देखकर भी उसका ईमान नहीं डगमगाया। गरीब बस्ती बेड़ी पर रहने वाली कामवाली बाई जमुना प्रयाग पार्क कॉलोनी में मनोज जैन के घर का काम निपटा कर शाम 4 बजे दूसरे के घर काम करने जा रही थी, तभी रास्ते में नोटों से भरा पर्स मिला, उसे देखकर उठाया। बड़े बड़े नोट देखे तो घबरा गई और पर्स को पल्लू में दबाकर वापस मनोज जैन के घर आई और उन्हें पर्स देते हुए कहा, भैया यह बटुआ रास्ते में पड़ा मिला है, इसमें घनसारा रुपया है, कागज भी है, देखो और जिसका है उसे लौटा दो। मनोज जैन ने पर्स में रखे कागजात देखे, उसमें सुनील मालवीय का कार्ड था। उन्हें मोबाइल लगाया और बताया कि आपका पर्स गुम हो गया है, उसे ले जाए। सुनील मालवीय आश्चर्यचकित थे कि मेरे पर्स में तो जरूरी कागजात थे। वह फौरन प्रयाग पार्क कॉलोनी में मनोज जैन के मकान पहुंचे तो उन्हें बताया कि हमारे घर पर विगत 25 सालों से जमुना बाई हमारे घर में घरेलू काम करती है, ईमानदार महिला है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आपको दिया था, कितने वर्षों से आपके वहाँ काम कर रही हैं? करीब करीब 25 वर्षों से काम कर रही हैं। आज जो इन्होंने ईमानदारी की मिसाल बताई है उसको लेकर क्या कहेंगे? तो हम इसको बहुत अच्छे समय से जानते हैं, काफ़ी पहले से जानते हैं, बहुत ईमानदार है, बहुत डिवोटी अपने काम के प्रति। और ये मैं अभी ऑफिस में बैठा हुआ था, एकदम दौड़ते हुए आई घबराते हुए कि भाई मेरे को ये पर्स मिला है, किसका है ये, इसमें पैसा भी दिख रहा है मखा, और ये कोई कागज़ पत्थर भी है तो फ़ोन कर दो इसको, तो वो ले जाए। मैंने तुरंत ही पर्स में जांच पड़ताल करी, इसमें इनका फ़ोन नंबर मिल गया और मैंने उनको फ़ोन किया, फिर ये आ गए हैं और इनको फिर पर्स अपन ने वापस कर दिया। ठीक, दीदी क्या नाम है आपका? जमुना भाई, क्या काम करते हैं आप? हम तो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। आज आपके साथ क्या घटना हुई, क्या मिला था आपको? मेरे को पर्स मिला। कहाँ पर? वहाँ पर थी दुकान के पास। कितने बजे की बात है? एक आध घंटे पहले का होगा। तो आप यहाँ से काम करके घर जा रहे थे? नहीं, मैं तो दूसरे घर कपड़े धोने गई थी। तो वहाँ से आ रहे थे कि जा रहे थे? नहीं, जा रही थी, फिर मैंने कपड़े धोए, फिर आ रही वापस। वापस आए तो ये पर्स आपको आते हुए मिला? नहीं, जाते हुए मिला। तो पर्स को आपने देखा? नहीं देखा, मैंने तो ऐसा बंद करके वो थैली में रख लिया, भैया को बता दिया मैंने तो। ला के भैया को बता दिया? तो उसके अंदर पैसे वैसे भी तो थे ना जी? कुछ पैसे थे, मैंने कुछ नहीं करा। नहीं, उसको देखा तो होगा ना आपको, उसके अंदर पैसे थे। तो वो पर्स ला के भैया को दिया आपने, है ना? तो आपको ऐसा लगा नहीं कि आपको तो जमीन पे पड़ा हुआ मिला था, ये आप ही का होता? नहीं, मैं नहीं, सब मेरे मन में होता तो मैं तो खुद ही रख लेती। तो आपने जरा भी मन में नहीं हुआ? जी, घर के अंदर आप लोग? सुनील मालवीय। मालवीय जी, आपका पर्स गुम गया था, कब की घटना थी, क्या था उसमें? लगभग 1 घंटे पहले की घटना थी, मैं स्कूटी से इधर जा रहा था, तब मेरा पर्स और फ़ोन दोनों गिरा था, लेकिन पर्स पहले गिर गया था, फ़ोन बाद में गिरा, तो फ़ोन गिरा वो मुझे पता चल गया, तभी जाके ये पता चला कि मेरा पर्स भी कहीं गिर गया। और मैं 2 से 3 बार इधर मैं सर्च करके गया, लेकिन मुझे कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो फिर मैं चले गया। फिर सर का मेरे पास कॉल आया कि आपका पर्स यहाँ पर है, आप आ जाइए और ये पर्स ले लीजिए। कितने क्या पर्स के अंदर क्या क्या सामान था? मेरा आधार था, वोटर आईडी था, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, साथ साथ मेरे कुछ, जैसे मैं एक कंपनी में काम करता हूँ वहाँ के ट्रेवल के बिल वगैरह भी थे, मतलब कहा जाए तो एक पूरा 1 से 2 महीने का जो मेरा डॉक्यूमेंट होता है वर्किंग एक्सपीरियंस का, वो सारा चीज़ इसमें था। कुछ नगद भी राशि थी उसमें? बिल्कुल, इसमें नगद भी राशि थी, कुछ कितनी थी? 5,000 के बीच में राशि थी, ऐसे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं था लेकिन वही राशि थी। तो ये जो जीजी ने आपको ये पर्स दिया है तो पूरा व्यवस्थित हो सका? व्यवस्थित वो वैसे, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि वो जैसा रखा था वैसा का वैसा ही रखा हुआ, यानी उसको टच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं इधर उधर, जैसा मेरा पैसा रखा हुआ था फोल्ड करके वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ। क्या कहेंगे ये एक गरीब महिला जो कि बहुत अच्छी एक प्रेरणा है। देखिए, पैसा ठीक है, पैसा तो कोई इतना नहीं होता, लेकिन जो साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते किसी के लिए भी। जो आज आंटी जी ने किया है वो बहुत सराहनीय काम है, और सारे मतलब जागरूक व्यक्ति को ये चीज़ करना चाहिए, चाहे उनकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी काश यही करता, क्योंकि अगर मैं होता नहीं, कहते हैं कि गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, या साबित हो गया। या साबित हो गया। ठीक, क्या शुभ नाम है आपका? सुनील मालवीय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।